करगिल में मैं इधर ही था, घर पे ही पढ़ा था। 21st century है, पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि बाहर ही जाए तो एलन या आकाश में जाके ही हम नीड क्रिएट कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, अंदर से वो आग है, तो फिर आप इधर भी बैठ के भी कर सकते हो। हर रिसोर्सेज फ्री है। 11th 12th यस सर पढ़ता था, देन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पे थोड़ा माहौल बनने के लिए, थोड़ा खुद को मोटिवेट रखने के लिए वो लाइब्रेरी से ही किया था सर जी। आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, यूं ही जुनून की हद से गुजरते रहो। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, और उसके बाद लद्दाख के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, खासकर करगिल में। जिस तरह से यूनियन टेरेटरी लद्दाख के फर्स्ट और सेकंड टॉपर दोनों करगिल से ही हैं, और कल इफ्तिखार हुसैन के साथ हमने बात की थी और उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और आज हमारे साथ लियाकत अली जो कि करगिल लद्दाख के एक और दूरदराज इलाका शकर चिकतन से हैं। लियाकत अली ने 603 मार्क्स हासिल करके लद्दाख का सेकंड टॉपर बना है। लियाकत अली ने भी एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, क्योंकि लियाकत अली ने अपने घर में बैठ के नीट क्रैक किया है और यूटी का सेकंड टॉपर बना है। लियाकत, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कैसे कर पाया आपने, क्योंकि जिस तरह से हम बाकी लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि 12th class क्रैक पास करने के बाद, चूँकि 12th class में भी आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, इसके बाद आपने कहीं पर भी फॉर्मल कोचिंग नहीं लिया है, अब अपने घर में बैठ के बहुत ही कम ये खर्चे में सेल्फ स्टडी करके आपने नीट क्रैक किया है, कैसे किया? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है सर जी, जो भी सर लोग जो भी कहते थे वही करता था, बस डिसिप्लिन रखना था और अपने अंदर वो पहचानना पड़ता है कि तुम्हें क्या करना है, फिर वो डिसिप्लिन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो कहाँ से आपने शुरुआत की, नीट की जो शौक है वो कहाँ से आपको पैदा हुआ? नीट की तैयारी 10th 11th तक तो मुझे भी पता नहीं था सर कि नीट एज अ डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या नीट देना होता है, JEE देना होता है। वो जब कोरोना का टाइम आ गया, फिर जब मैं कोरोना का टाइम आते ही ऑनलाइन स्विच होना पड़ा, फिर सब ऑफलाइन कोचिंग सब बंद था, उसी की वजह से जब ऑनलाइन स्विच हुआ तब उसी से मुझे पता चला कि अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए इस तरह से एग्ज़ाम देना पड़ता है, इस तरह से क्रैक करना पड़ता है, उसी से मुझे जानकारी मिला सर। अच्छा, तो इसके बाद आपने पढ़ाई का सिलसिला कहाँ से आपने कंटिन्यू किया, चूँकि आप बॉयज़ हाई सेकेंडरी से ही आते हैं, तो इसके बाद कहाँ कहाँ आपने जो अपना सेल्फ स्टडी कहें या कोचिंग कहें वो कहाँ से की? मैंने सबसे पहले मैं अपने बेसिक स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना गांव से ही किया था बेसिक स्कूलिंग फॉर 5th class, देन 10th तक मैंने इमामिया मॉडल स्कूल ले से किया था। पापा ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम, और मैंने 10th में मेरा 96% था और स्कोर कर पाया सर जी। टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा और पेरेंट्स का भी रहा और फ्रेंड्स का भी रहा। फिर मैं बॉयज़ पे आया, जब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में आया तो उधर भी मुझे बहुत सर का बहुत सपोर्ट रहा, उसी की वजह से मुझे आज ये कर पा। तो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल से आपको एक बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला? यस सर, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल भी में भी बहुत ही वेल क्वालिफाइड टीचर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, और 12th में मैंने जो टॉप किया इन्हीं सर की वजह से ही हो पा रहा है सर। आपने सुना कि 12th class पास करने के बाद आपने इससे पहले भी एक बार नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन आप नहीं गए, क्या रीजन्स था? मेरा एक्चुअली मेरा रीज़न था कि सर मैं एम्स दिल्ली क्रैक करूं, उसका रीज़न था। एक्सपेक्टेशन तो बहुत था, लेकिन इसलिए मैंने ड्रॉप लिया था सर जी। यानी आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना चाह रहे थे एसटी लेवल? यस सर जी, यस सर। अच्छा, तो इसके बाद फिर कम खर्चे में कितना खर्चा हुआ आपको इस 2 सालों में नीट के प्रिपरेशन में? इस प्रिपरेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, PW, बहुत ही वेल नोन ऑनलाइन कोचिंग है, जो बहुत ही सस्ते में बहुत ही वेल क्वालिटी टीचर्स के साथ पढ़ाता है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, उन्हीं के साथ मैं जुड़ पाया सर। उनमें अलग पांडे सर, वो सब जानते हैं, उन्हीं की बदौलत मैं आज ये कर पा रहा हूँ सर।
मुझे। घर में और आप कहाँ कहाँ, करगिल में कहाँ कहाँ आप पढ़ाई करते थे? करगिल में मैं इधर ही था, घर पे ही पढ़ा था 11-12 सर पढ़ता था। देन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे थोड़ा माहौल बनने के लिए, थोड़ा खुद को मोटिवेट रखने के लिए वो लाइब्रेरी से ही किया था सर जी। उधर से सिलसा लाइब्रेरी का पता चला, फिर उधर खादिम सर भी बहुत ही मोटिवेट करते थे, वो बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियली और मोरली बहुत सपोर्ट किया सर वो लाइब्रेरियन। अच्छा सर, उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि आप नीट क्रैक कर पाएंगे घर में बैठ के ही? यस सर, क्योंकि मुझे पता था कि ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से जो क्रैक करता है, तो मैंने सोचा वो लोग भी क्रैक करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, वो मेरे माइंड में भी आ गया कि मैं भी कर सकता हूँ इस भरोसे के साथ। और जो अलग सर ने जो जितना भरोसा मुझे दिया वो क्रैक करने के लिए, वो एग्ज़ाम उन्होंने भरोसा दिलाया कि तुम लोग भी कर सकते हो, फिर मैं भी उसी में जुड़ा सर। यकीनन बहुत बेहतरीन पॉइंट्स आप हमारे व्यूवर्स तक पहुँचा रहे हैं। कारगिल लद्दाख में अभी भी बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स हैं और अलग अलग जगह पे बैठ के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हम दूरदराज इलाकों की बात करें या लेह की दूरदराज इलाकों की बात करें। उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो नीट की तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से उनको शुरुआत करना है, कौन कौन से बुक्स को लेके आगे बढ़ना है? देखिए सर, अभी क्या है 21st सेंचुरी है, पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सब है। मतलब ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि बाहर ही जाए तो एलएन या आकाश में जाके ही हम नीट क्रैक कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, अंदर से वो आग है, तो फिर आप इधर भी बैठ के भी कर सकते हो, हर रिसोर्सेज फ्री है। अभी NTA का जो नीट पैटर्न पेपर होता है वो भी NCERT बेस्ड आता है, उसकी वजह से आपको रिसोर्सेज मिल जाता है सर जी। तो आपके मन में नहीं था कि आकाश में जाए, एलएन में जाए या दक्षिणा में जाए? नहीं सर, क्योंकि अभी क्या है ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी क्या है कि सब कुछ मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं चाहा कि आकाश में हो या एलएन में हो, मैं इसी से ही कर सकता हूँ, मुझे ऐसा बिलीव था थोड़ा। उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इशू होता है, कुछ लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं उन जो फॉर्मल कोचिंग सेंटर्स, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बस जो भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, अब आपके पास वो सबसे पहले वो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब कितने घंटा पढ़ना है, पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है, कैसा पैटर्न कैसा आता है, देन उस एग्ज़ाम को समझना है। नीट एग्ज़ाम सिर्फ वो नॉलेज चेक नहीं करता है, वो प्रेशर को भी हैंडल करता है, प्रेशर को भी देखता है, वो प्रेशर कैसे हैंडल करता है, टाइम को भी देखता है, टाइम कैसे मैनेज करता है, वो सब आप मॉक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ कि मैं एग्ज़ाम में भी ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा परफॉर्मेंस मैं दे सकता हूँ, उसी के थ्रू आप हो सकता है सर जो वैसा कर सकता है आप भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे खासकर उन स्टूडेंट्स को कि क्या वो उनके पास अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो वो कहीं भी बैठ के क्रैक कर सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स कर सकते हो, अगर वो कंसिस्टेंसी, अगर वो बेसिक डिसिप्लिन वो है तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे JEE हो, चाहे NEET हो, चाहे UPSC हो, मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम इधर बैठ के भी आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है सर। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लियाकत अली साहब का फ्यूचर प्लान क्या है और जिस तरह से कौन कौन से बुक्स इन्होंने पढ़ा है उस वाले से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। ब्रेक से पहले एक चीज़ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हर साल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रोड्यूस करते हैं, और इस साल भी नीट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ने किया है, 5 स्टूडेंट ने नीट क्रैक किया है। ब्रेक के बाद मिलेंगे। करगिल आपका अपना शहर है, करगिल को साफ रखना आपका फर्ज है। जिस तरह घर से निकलने वाला कूड़ा करकट घर के आंगन में नहीं फेंकते, उसे बाजार और सड़क के किनारे भी न फेंका करें। जिस तरह घर को साफ रखते हैं, उसी तरह शहर को भी साफ रखने की कोशिश करें। शहर के मजाफात में हर जगह कूड़ेदान नस्ब की हुई हैं। कूड़ा करकट को घर से ले जाकर उन कूड़ेदानों में डालें। एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, करगिल को साफ रखें। म्युनिसिपल कमेटी करगिल की जानिब से मफाद दयामा में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ लगातार यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नीट के जो सेकंड टॉपर लियाकत अली बात कर रहे हैं और उनकी जो अहम मोटिवेशनल सोच हैं वो हमारे व्यूवर्स तक और ख़ासकर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ता होगा, वो कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स हैं, कौन कौन से बुक्स हैं जिसके ज़रिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पायरेंट्स हैं, वो आगे उनको पढ़ के नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो सर जी, जो बेसिक स्टडी मटेरियल ज़रूरत होता है नीट के लिए, वो बायो के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है सर जी। एनसीईआरटी से ही हो जाता है। फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा आपको टच करना पड़ता है। रेफरेंस के लिए आप कोई भी रेफरेंस उठा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। और केमिस्ट्री में मैं प्रीफर करना चाहता हूँ कि फिजिकल में थोड़ा न्यूमेरिकल आता है, उसमें थोड़ा आप रेफरेंस टच करें तो अच्छा रहेगा। बाकी इनऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री इन एनसीईआरटी से हो जाते हैं सर। अच्छा, तो आपका आने वाले समय में फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, क्या आपके मन में है इस फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखो सर, अभी नीट तो क्रैक हुआ, इंशाल्लाह अब आगे मैं एमबीबीएस का सोच रहा हूँ, देन न्यूरो का भी सोच रहा हूँ, फिर देखते हैं सोसाइटी को, इंशाल्लाह कुछ ट्राई करेंगे सोसाइटी को सर्व करने का इंशाल्लाह व्हेन आई एम कैपेबल ऑफ। जिस तरह से इस साल नीट में लद्दाख से और ख़ासकर करगिल से दो स्टूडेंट्स ने 600 से अबव मार्क्स स्कोर किया है, हमारे स्टूडेंट्स में कितना आगे आने वाले वक्त में कितना आगे जो है और भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितना कैपेबिलिटी आपको नज़र आता है? सर जी देखो सर जी, लद्दाख में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको थोड़ा एक्सपोजर मिलने की ज़रूरत है, थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उनको वो राइट गाइडेंस और वो एक्सपोजर मिल जाए तो 700 भी टच कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी है। तो आखिर पे आप किस तरह के मैसेज हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एस्पायरेंट जो मुझे देख रहा है, आप लोग भी कर सकते हो अगर आपके अंदर वो बेसिक डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो डेडिकेशन है तो आप भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ आराम से कर सकते हो अगर आपके अंदर वो बेसिक रूल एंड रेगुलेशन वो पता होना चाहिए। और मैंने जो आज ये नीट 603 स्कोर कर पाया, ये सिर्फ दो साल का नहीं, ये पूरा 10 साल का वो मतलब वो हार्डवर्क सब है। इनमें जो टीचर्स जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया और जो पेरेंट्स जितने भी पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स और जितने भी मेरे दोस्त थे वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं ये कर पा रहा हूँ सर जी। और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थोड़ा शेयरी भी ऐड करना चाहता हूँ, मोटिवेशनल शेयरी। यूं ही जुनू की हद से गुजरते रहो, यूं ही जुनू की आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, यूं ही जुनून की हद से गुजरते रहो। आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, यूं ही जुनून की हद से गुजरते रहो। ये जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नीट के सेकंड टॉपर लियाकत अली बात कर रहे थे और लियाकत अली ने अपने जो मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल पॉइंट से हमारे जरिए व्यूवर्स तक और ख़ासकर नीट एस्पायरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप हमारे साथ बने रहिए, इसके फौरन बाद हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल से प्रिंसिपल से भी बात करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस साल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ने नीट में बहुत एक्सेलेंस किया है। 5 स्टूडेंट्स ने नीट क्रैक किया है। चलिए, हमारे साथ सज्जाद हुसैन प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स JEE नीट क्रैक करते हैं। कैसे कर पाते हैं आप और किस तरह से आप लोगों का जो एजुकेशनल एक स्केड्यूल और सिस्टम यहाँ पे होता है एजुकेशन बच्चों को देने में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हजरत का अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा जो मैं अपने तरफ से, अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स ने जो क्वालिफाई किया है इस इंस्टीट्यूशन से, उनको दिल्ली मुबारकबाद पेश करूंगा। और जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ पर हमारे स्कूल में जो पढ़ाई का तरीका है एक मतलब करिकुलम सेशन में वो कैसा रहता है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड यहाँ पर डेडिकेटेड हमारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, और उन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी हमेशा हमें बाकी एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते रहते हैं। इनकी वजह से पॉसिबल हो चुका है,
और दूसरा जब हमारा सेशन शुरू हो जाता है तो शुरू होने के बाद हमारे टाइम टेबल फ्रेम होने के बाद जो रेगुलर क्लासेस चलने के बाद हम टाइम टू टाइम सारे जो टीचिंग स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करके रिव्यू मीटिंग लेते हैं। उस रिव्यू मीटिंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि एक दो महीने में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसमें हम और कौन से चेंजेस ला सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रागिब कर सकते हैं, किस तरह से कमज़ोर बच्चों को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये सारा उन रिव्यू मीटिंग्स में हम डिस्कस करके फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर से हम साल में एक सेशन के अंदर लगातार तीन चार हमारे रिव्यू मीटिंग्स होते हैं। उन रिव्यू मीटिंग्स में हम सारा स्ट्रेटजी फ्रेम करके बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा टाइम टू टाइम अपने पढ़ाई पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है, जो हमारा एकेडमिक्स है, उसमें हमेशा चेंज लाते रहते हैं और इस हिसाब से हमारा जो है वो सेशन चलता है। सर, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल की बात करें, यहाँ पर पढ़ाना ही एक चैलेंज है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट करगिल के दूसरे हायर सेकेंडरीज के नस्बत में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया है, क्लासेस को लेके किस तरह की आप लोगों के पास फैसिलिटी है? एक बॉयज़ हायर सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला बॉयज़ हायर सेकेंडरी है जी। इसके वजह से यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एनरोलमेंट प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अगर बच्चे ज़्यादा हों तो हम सेक्शंस भी करवाते हैं, सेक्शंस में भी इनको पढ़ाते हैं। बाकी हमारे पास जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, पिछले कई सालों में हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे लैंग्वेज लैब को देखेंगे, हमारा जो अटल टिंकरिंग लैब है वो इस्टेब्लिश हुआ है, हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब इस्टेब्लिश हुआ है, लाइब्रेरी हमने बिल्कुल 24 आवर्स इसमें बच्चा बैठ के पढ़ सकता है ऐसा हमने लाइब्रेरी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा हमारे लेबोरेटरीज भी वेल इक्विप्ड हैं और बच्चों को बार बार जब भी किसी अगर प्रैक्टिकल्स करने होते हैं तो प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। बच्चे जो हैं उनको हम यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो आपका लेजर टाइम है स्कूल के अंदर, आपका जब कोई क्लास फ्री होता है तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की तरफ रागिब करते हैं, लाइब्रेरी में रखते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे जो हमारे करिकुलम से रिलेटेड बुक्स हैं, इसके अलावा हम मैगजीन्स भी सब्सक्राइब करते हैं, जो कम्पिटिटिव जो मैगजीन्स होते हैं वो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो बच्चे वहाँ पर आकर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के प्रिंसिपल सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और आपको बताते चले एक बार फिर, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ने कुछ अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से तैयार किया है, यहाँ से प्रोड्यूस किया है। एक बार फिर हमारी टीम की तरफ से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और साथ ही साथ लियाकत अली जो कि करगिल लद्दाख के एक और दूर दराज इलाका शकर चिकतन से हैं, उन्होंने 603 मार्क्स हासिल करके यूटी लद्दाख का सेकेंड टॉपर बना है, उनको भी हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मुसातुम अली के साथ मोहम्मद इजाक, आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।